मेपा सोल से डोड़ा ये बड़ा बनता है। सोलते डोड़े की साइज अच्छी बनती है और दूध गाढ़ा आता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो हमारे किसान भाई चाहे अफीम में डोड़े की साइज बढ़ाना हो, संतरे में फल का आकार बढ़ाना हो, ऐसे काफ़ी जगह किसी भी फल का आकार बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई ज़्यादातर इस खाद का उपयोग करते हैं। दोस्तों वो खाद है मेपा सोल, जो हमारे किसान भाई ज़्यादातर इसका उपयोग करके लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों मेपासोल के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें कंटेंट क्या आते हैं और किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों मेपासोल मंचिया मार्केटिंग प्राइवेट कंपनी का उत्पाद है जो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का आता है। मेपासोल के कंटेंट की बात करें तो कंपनी ने इसको 3 फर्टिलाइजर को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया है, जिसमें पहला मुख्य खाद K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड व 2 सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड व सल्फर हैं, जो 22:18:20 के रेशियो में आता है। मेपासोल के काम करने के तरीके के बारे में बात करें तो मेपासोल बहुत ही सूक्ष्म कणों में बनाया गया है, यानी कि यह बहुत ही कम माइक्रोन के होते हैं, जिसकी वजह से यह जड़ों पत्तियों द्वारा आसानी से अवशोषित होकर जल्दी पौधों को लग जाता है। किसान भाइयों, मेपासोल में पोटाश व मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में होने से यानी ऑक्सीजन के साथ होने से यह बहुत ही जल्दी पौधा ले लेता है। मेपासोल क्लोराइड फ्री होने की वजह से मिट्टी का पीएच भी खराब नहीं करता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं मेपासोल के फसलों में होने वाले फायदों के बारे में। मेपासोल में पोटेशियम ऑक्साइड K2O होने से फल का आकार बहुत ही जल्दी बढ़ता है। अफीम में दूध का रंग गहरा गुलाबी बनता है। अफीम की फसल में पोस्ते सफ़ेद व चमकदार बनते हैं। किसान साथियों, मेपासोल में मैग्नीशियम ऑक्साइड होने की वजह से डोड़े व पत्तों में लंबे समय तक हरापन व डोड़े का छिलका मोटा बनता है, क्योंकि इससे कोशिकाओं का निर्माण ज़्यादा बनता है। मेपासोल में तीसरा कंटेंट सल्फर है। सल्फर इसमें सल्फेट फॉर्म में होने से जल्दी पौधा ग्रहण कर लेता है। सल्फेट पौधों में नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज यानी पचाने का काम करता है तथा क्लोरोफिल में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेपासोल से बहुत ही बढ़िया हरापन आता है। मेपासोल का उपयोग किन किन फसलों में होता है, अगर इस पर बात करें तो लगभग मेपासोल सभी फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक परिणाम देता है, लेकिन विशेषकर अफीम, लहसुन, प्याज, संतरा, अंगूर में इसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मेपासोल का डोज हमें फसलों पर कितना लेना चाहिए। मेपासोल अगर आप अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो 4 ग्राम प्रति लीटर के मान से आप पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सिंचाई के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप 3 किलो 10 आरी अफीम में तथा दूसरी फसल में आप देना चाहते हैं तो 5 किलो प्रति एकड़ के मान से आप जमीन में आप फूंककर या ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं। मेपासोल की कीमत की बात करें तो मेपासोल की कीमत समय के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है, फिर भी आज के हिसाब से मार्केट में 300 से 350 तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मेपासोल का घोल बनाने का तरीका कॉम्बिनेशन के बारे में। मेपासोल को पानी में घोल बनाते समय पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए, नहीं तो मेपासोल पत्थर जैसा बन जाएगा। मेपासोल को पानी में मिलाते समय पानी गर्म हो जाता है, यह इसका स्वभाव है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये वीडियो हमारे और भी अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो की जानकारी उनके काम आ सकें। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाली जानकारी
आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।